हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। दिग्घी रेलवे ढाला पर गाड़ी के रुकते ही कर दिया हमला। हाजीपुर से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। हाजीपुर दिग्घी रेलवे ढाला संख्या 52 के समीप बुधवार की दोपहर जैसे ही थार रुकी बाइक सवार हमलावर पीछे से आ धमके। उन्होंने गाड़ी पर सवार विश्वजीत को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें ड्राइविंग कर रहे अमन राज के गर्दन के पास गोली लगी। दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंचे सदर थानाध्यक्ष राजन कुमार पांड्या ने टीम के साथ उस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। थार गाड़ी से पुलिस ने 2 खोखा बरामद किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर, क्या कुछ घटनाएं हुई है सर, गोलीबारी की बात सामने आ रही है? आज करीब 12:30 बजे दिग्घी ग्राम में एक व्यक्ति जो है अपने थार गाड़ी से जा रहे थे, इसी दरमियान एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आए और गुमटी के पास ने गोली मार दी है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गया है। एक का विश्वजीत कुमार नाम है और दूसरा अमन राज है। दोनों का इलाज हेतु ले गया है लोग और हम लोग सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए हैं और उसकी पहचान और प्रयास गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कितने गोली लगी है? एक जो विश्वजीत है उनके गर्दन में गोली लगी है और एक जो अमन राज है उनका चेस्ट के ऊपर गोली लगा है और लोगों द्वारा 3 गोली चलने की बात बताई जा रही है। 2 खोखा हम लोग को यहाँ प्राप्त हुआ है और हम अनुसंधान कर रहे हैं क्या मैटर है इसमें। ठीक है।